Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Nirmal Singh, has said that the government for now is focusing on cleaning public and community toilets. Speaking on hawala money tactics, he said it is coming via proxy war tactics, and he and others in important positions are open to constructive criticism for better government working. जो शहर का कचरा है उसको उसको प्रॉपर्ली उसको मैनेज किया जाए ताकि उसके गंदगी ना फैले और इसी प्रकार से जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं दूसरे टॉयलेट्स हैं साफ सफाई के ऊपर हमारा फोकस है दूसरा लेन्स हैं डेंट्स हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हमारा जो हमारे जो टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं काफ़ी कंजेशन उसमें ज़्यादा है तो इसलिए उसको किस तरीके से नए बस स्टैंड बनाने की बात है टायर पार्किंग की बात है तो ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं जैसे हमारे स्लॉटर हाउसेज हैं आज हमने फैसला किया कि राजौरी में भी हमने कहा है कि ज़मीन आइडेंटिफाई करें मॉडर्न स्लॉटर हाउस बने ताकि जो गंदगी है जिसके कारण कई बीमारियाँ फैलती हैं तो वो उसको हम उसको मैनेज कर सकें उसके तरीके से ये जो सारा है कि जो हवाला का पैसा आता है पाकिस्तान की तरफ से फेक करेंसी आती है और जो उनके हथियार भी आने की हो सकती है चाहे वो बॉर्डर के जरिए आए कैसे भी आए ये सारा जो है एक प्रॉक्सी वार में है ऐसा नहीं है कि हमारी जो पुलिस है एजेंसीज हैं काफ़ी सतर्क रहती हैं और ये सारा होता है लेकिन जिस तरीके से एक पूरा देश जो है एक पूरा कंट्री जो है इस अगर इस प्रकार की बात में लगा हुआ है और वो कोई ना कोई मौका ढूंढते हुए इस प्रकार की बात करता है चाहे टेररिस्ट को अंदर धकेलता है तो इसमें से कई जगह चूक होती है जैसे जैसे भी हमें इस प्रकार की बात आती है हमारे ध्यान में आती है तो जो है बिल्कुल कारगर कार्रवाई होती है जो फौज के जो कुछ एयरपोर्ट के अंदर बना रहे थे जो क्वार्टर बन रहे हैं फौजियों के बन रहे हैं तो उन्होंने वहाँ इस प्रकार का बयान दे दिया कि शायद ये मानो ये वहाँ जी वो एक्सप्रेस मैन पूरे देश से लोग फौजियों को लाके बसाने की बात है ये लोग गुमराह कर रहे हैं और इनके पास मुद्दा तो है नहीं हमारे जो है लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है मतलब इतना लंबे समय तक ये यहाँ पर जो है इन्होंने रूल किया है कुछ नहीं किया सिर्फ गुमराह कर रहे हैं आज हुर्रियत की बात करते हैं रविंद्र राणा बताया ना क्या हुर्रियत के साथ जहाँ जा रहे हैं वो फारूक साहब ये कहते हैं इसलिए ये गुमराह कर रहे हैं हम चाहेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन असेंबली में वो पॉजिटिव मुद्दे उठाएं।